Hello everyone, how are you all bete? I hope you all are fine and safe at your homes. Okay beta, we were reading our lesson 1 of book Honeydew. The name is The Best Christmas Present in the World. हमने दो comprehension check complete कर लिए हैं बेटे पिछले videos में और आज हम comprehension third start कर रहे हैं. तो listen carefully और अपनी बुक पे बेटे मीनिंग्स लिख लिया करो. किसी भी मीनिंग का कोई डाउट हो बुक पे लिख लिया करो और आप कभी भी क्लास में पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लीप. अब उसने लेटर तो पढ़ लिया था सारा जिम ने जो कोनी को लिखा था. तो नरेटर अब बोल रहा है कि मैंने फिर वो लेटर था जो वो उसको दोबारा से वैसे ही फोल्ड किया और उसको बड़े ध्यान से उसी एनवेल्प में डाल दिया जिससे वो निकाला था. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रॉव इन टू ब्रिट पॉट. मैं फिर ब्रिट पॉट गया जस्ट अ माइल अवे जो मुझसे कुछ ही दूरी पर था. आई आस्क द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचीज वॉज. तो फिर वहाँ एक लड़का अपने डॉग के साथ टहल रहा था. मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचीज कहाँ हैं. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. तो जो हाउस नंबर 12 था जहाँ पे मिसिस कोनी रहती थी वो अब कुछ भी नहीं था सिवाय एक जले हुए खोल के. वहाँ पे एक जला हुआ खोल था घर की जगह पे. द रूफ गैपिंग उसकी छत में जो वो दरारें आ गई थी. द विंडोज़ बोर्डेड अप उनकी विंडोज़ थी जो वो लकड़ी के बोर्ड से कवर की हुई थी. आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने उसके साथ वाले डोर को नॉक किया दरवाज़ा खटखटाया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफर्सन. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो कुछ जानते हैं मिसिज मैकफर्सन के बारे में. उनको कुछ जानकारी है कि वो कहाँ है कैसी है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. तो जो दरवाज़ा खोलने आया था ओल्ड मैन उसने स्लीपर पहने हुए थे और उसने कहा हाँ जानता हूँ. ही न्यू हर वेल. उसने कहा कि वो उसे अच्छे से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी वो बड़ी प्यारी ओल्ड लेडी है. ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया. अ बिट मडल हेडेड वो थोड़ी सी मडल हेडेड का मतलब है थोड़ी स्टूपिड सी है. मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा मतलब जैसे होते हैं ना ओल्ड एज पर्सन हो जाते हैं जिद्दी टाइप हो जाते हैं वैसे उसने उसको बोला कि वो थोड़ी स्टूपिड सी है. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी वॉजेंट शी. लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से उसको ऐसा टाइटल देना ऐसा नाम देना सही है नहीं है. हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड आखिरकार उसकी आयु भी तो 101 साल की हो चुकी है. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. तो वो उस वक्त घर में ही थी जब आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. असल में किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी थी. बट आई कुड वेल हैव बीन सॉरी बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन पक्का ये कैंडल से ही लगी होगी. शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो ज़्यादातर कैंडल्स ही यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है वो ज़्यादा महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. तो जो फायरमैन थे जो आग बुझाने वाले आदमी वहाँ पे आए थे उन्होंने उसे टाइम पे सही समय पे निकाल लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ और वो अब एक नर्सिंग होम में थी. ही टोल्ड मी उसने मुझे ये बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. तो उसने उसका पूरा एड्रेस भी दिया नर्सिंग होम का जिसका नाम था बर्लिंगटन हाउस जो डोरचेस्टर रोड पे था टाउन की दूसरी तरफ. I found Burlington House nursing home easily enough. तो मैंने अब Burlington House को भी बड़ी आसानी से ढूंढ लिया. There were paper chains up in hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. तो मैं जब वहाँ पे एंटर किया नर्सिंग होम में तब मैंने देखा कि वहाँ पे पेपर चेन्स लगे हुए थे कागज़ की बनी हुई लड़ियाँ लगी हुई थी हॉल के रास्ते पे. एंड अ लाइटेड क्रिसमस और फिर उसके एक कॉर्नर में क्रिसमस ट्री था जो वो जगमगा रहा था उसके ऊपर लोप साइडेड एंजल. लोप साइडेड मीन्स तिरछे
तिरछे तरह से उसके ऊपर टॉप पे एक एंजल था जो देवदूत था वो लटका रखा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने वहाँ जाके उनको बोला कि मैं दोस्त हूँ मिसिज मैकपर्सन का, उनको क्रिसमस का तोहफा देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो मैं देख सकता था डाइनिंग रूम के अंदर, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पेपर के बने हैट्स पहन रखे थे और वो गाने गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, मैट्रन थी जो वहाँ की, उसने भी हैट पहन रखा था। मैट्रन होती है बेटा एक लेडी होती है जो नर्सिंग होम में सारे पेशेंट्स को फूड सर्व करती है, उसको बोलते हैं मैट्रन। तो उसने कहा कि मैट्रन ने भी हैट पहन रखा था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देख के शायद बहुत खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे बल्कि मिन्स पाई भी ऑफर किया। मिन्स पाई है बेटे मांस की बनी हुई कचौरी। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर में चलती गई। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मिसिज मैकपर्सन है जो वो दूसरों के साथ आज उनके बीच में नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे, वो आज थोड़ी सी कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो आज रेस्ट करें, आराम करें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनकी कोई परिवार नहीं है आपको पता है। नो वन विजिट्स, कोई उनको मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको देख के बहुत खुश होगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, तो वो मुझे कहाँ ले गई, कॉन्जर्वेटरी में ले गई। कॉन्जर्वेटरी होती है बेटे ग्रीन हाउस होता है, जिसकी वॉल्स हैं जो वो ग्लास की बनी होती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस होता है। वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं और वहाँ पे वीकर चेयर्स मतलब सीख की बनी हुई कुर्सियाँ रखी हुई थी और पॉट्स रखे हुए थे जिनमें प्लांट्स लगे हुए थे चारों तरफ, ठीक है। उसने मुझे वहाँ जाके छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, तो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने हाथ फोल्ड कर रखे थे अपनी गोद में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू अ विस्पी वन, उसके जो सिल्वर मीन्स चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे उनको पिन किया गया था एक विस्पी वन में। विस्पी वन मतलब बेटा गुंजलदार, वैसे गुच्छेदार जूड़ा बनाया हुआ था उसके बालों का, उनको पिन किया गया था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ बाहर की तरफ घूर रही थी। गेजिंग का मतलब होता है एक टक देखते रहना, बाहर देख रही थी। हेलो आई सैड, शी टर्नड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, तो मैंने उनको हेलो बोला और वो मेरी तरफ, उसने मेरी तरफ नज़र उठा के देखा, उसकी खाली नज़रों से देखा। वैकेंटली मीन्स खाली नज़रों से। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उनको विश किया हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, और मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टीन का बॉक्स खोला और उसको ये दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन, तो अब ये पल था जब उसकी आंखें चमक उठी, उस जैसे उसने उस चीज़ को पहचान लिया। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और फिर उसके चेहरे पर अचानक से एक खुशी की लहर थी जो वो फैल गई। सफ्यूज्ड का मतलब होता है बेटे स्प्रेड ऑल ओवर, उसके पूरे चेहरे पे फैल गई खुशी की वो एक चमक। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, उसको बताया कि मुझे वो कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद मुझे सुन ही नहीं रही थी। ओके बेटे, द नेक्स्ट रीडिंग वी विल कॉन्टिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।